डेढ़ महीने से ये सेवा संबल अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग नए कपड़े, पुराने कपड़े, जो यूजफुल कपड़े हैं जिनको अच्छे से लोगों ने मेंटेन करके रखा है, ऐसे कपड़ों को जैसे आप देखें ये सूट वगैरह ठीक से मेंटेन करके रखे हैं, जो किसी के जरूरत में काम आए, वेस्टेज नहीं हो, ऐसे कपड़ों, रजाई, कंबल का डिस्ट्रीब्यूशन जगह जगह कर रहे हैं। ऐसे से डेढ़ महीने में 17 कार्यक्रमों में अपने अलग अलग साथियों ने अपनी अनुकूलता अनुसार जहां उपयोग लगा, जहां डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था, वहां पर सभी कपड़ों का, रजाइयों का, कंबलों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। पूरी एक टीम बनी जिसमें रवि जी हमारे संयोजक थे। मैं रवि जी से निवेदन करूंगा दो मिनट अपना इस अभियान के बारे में। संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ टाइम से, और जैसे कि आप जानते हैं कि ये कपड़े अपने घर में पड़े होते हैं और अपन उनको सही स्थान नहीं दे पाते। जिन लोगों की इनकी ज़रूरत होती है सर्दी के टाइम पर गर्म कपड़ों की उनका अवेलेबल नहीं हो पाता, तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप इस कार्य में सहयोग करें और जरूरत की सामान, जरूरत जिनको है उनके पास पहुँचाएँ। तो हमारी संस्था इस साथ में लगी रहती है और आप हमारे साथ रह के इस कार्य के अंदर सहयोग कर रहे अपनी बात का नमस्कार। मैं सबका सम्मान करता हूँ। ये जो अभियान इन्होंने शुरू किया है, हम सबको इसकी बहुत ज़रूरत थी। हमारे सबके पास काफ़ी कपड़े पुराने होते हैं पर हम ये नहीं देख पाते कहाँ थे और उसका यूज़फुल हो, और इन्होंने ये जो अभियान चलाया है इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पक्षियों के योगदान से संस्था ने ये प्रचार प्रसार किया कि भाई जो आप संग्रह कर रहे हो वितरण भी करो। वितरण पक्षी हमारे ना तो संग्रह करते हैं और वितरण तो करते ही रहते हैं, खुशियां बांटते हैं, लोगों के दुखों को दूर करते हैं, हर तरह का प्रयास करते हैं कि लोग खुश रहें, संग्रह कुछ नहीं करते हैं। और मेरी कविता का शीर्षक है जिनको ज़रूरत है उनकी मदद करना है, आप सब पुरुषों से मेरा यही कहना है, उनकी सेवा सहायता करके सुख उनको देना है, आप सभी सत्पुरुषों से बस मेरा यह कहना जरूरत है, मदद उनकी हमें करना। धन्यवाद। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि आज इस पुलिस कार्य में मुझे भी सहयोग बहुत दान करने का ऐसा काम किया। मैं हृदय से बहुत गदगद हूँ और मुझे लगता है कि मुझे हर साल यहाँ आकर के अब इस कार्य में हमें सहयोग देना चाहिए। धन्यवाद।